हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे लिपस्टिक जो है फोटोशॉप में लगाते हैं। दोस्तों, हम इससे पहले दो वीडियो फोटोशॉप पे बना चुके हैं, ये हमारी तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे लिपस्टिक का प्रयोग करेंगे। जबकि हम सभी जानते हैं कि मैक्सिमम इसका प्रयोग महिलाएँ लड़कियाँ ही करती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको पेन टूल मिल जाएगा, पेन टूल सेलेक्ट कर लेंगे। आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, कभी कभी जो हम लोग क्रॉप करते हैं, पेन टूल से काटते हैं, तो इस तरह से आ जाता है। तो इसको सही करने के लिए हम क्या काम करते हैं, हमको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर हमारा यहाँ पे माउस क्लिक रहेगा तो हम जहाँ जहाँ सेलेक्ट करेंगे, जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे उतना एरिया सेलेक्ट होगा, उसके अंदर कलर। सेलेक्ट करने के बाद इसी पर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेक सिलेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जाएंगे और इसको जीरो ही रहने देंगे, ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ से एक न्यू लेयर ले लेंगे। न्यू लेयर लेने के बाद आपको जाना होगा मैजिक लासो टूल, तो इस पर जाएंगे, ये मैजिक लासो टूल है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर फीडर का ऑप्शन लेगा। फीडर पर जाने के बाद आप इसको 10% 10 पिक्सल ही रहने दीजिएगा, ओके कर देंगे। इस ओके करने के बाद अब आपको यहाँ से ब्रश टूल लेना होगा, ये आपका ब्रश टूल दिख गया। ब्रश टूल के बाद आप इसके अंदर कौन सा कलर फिल करना चाहते हैं, ठीक है, चलिए मैंने कोई भी कलर यहाँ पर इसे फिल कर दिया। देखेंगे इसका फायदा ये कि अगर हम कहीं बाहर क्लिक कर रहे हैं तब भी उसके अंदर कलर फिल नहीं हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये लेयर के नीचे हमारा ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद इसको हम डार्कन कर देंगे। डार्कन करने के बाद ये जो हमारा सिलेक्शन है, हम इसको डिससेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ हल्का और गाढ़ा दिखाना है तो हम यहाँ से ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करते इस पर जाएंगे और ये हमारा हल्का गाढ़ा होता जाएगा। इसके अलावा अगर इसके अंदर कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से, चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ और इसके अंदर दूसरी कलर फिल कर देता हूँ। इसके अलावा आप इस पर यहाँ से इस पर राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट लेयर ट्रांसपेरेंसी, फिर से यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने बताया, ओपेसिटी को कम और ज़्यादा करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कीबोर्ड से कंट्रोल यू प्रेस करना होगा। आप कंट्रोल यू जैसे ही प्रेस करेंगे, अब आप यहाँ से जिस कलर में इसको चाहते हैं, यहाँ से इसको रोटेट करके चले जाएँगे और ये देखिए आपका कलर यहाँ से चेंज होता चला जा रहा है। ढेर सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे।